हे गाइस, जियो मार्ट का एक ब्रांड है चाहत फैब, वहाँ से मैंने एक कुर्ती ऑर्डर किया जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। 289 रुपीज़ इसका MRP एंड उतने में ही मुझे रिसीव हुआ है एंड इस तरीके की पैकेजिंग में आ गया था। कुर्ती कुछ ऐसा है, पैकेजिंग काफ़ी लेट आया था, आई वुड से 9 दिन लगभग लग गए थे, तो हिसाब से ऑर्डर करना अगर वहाँ से कर रहे हो तो। ना जियो मार्ट पर ना नए नए कपड़े आए हैं, नए नए ब्रांड्स आए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं। ना अब आप ये देखो, कुर्ती जो मैंने देखा था ना वो सिर्फ एक सिंगल पिक्चर था, मुझे तभी डाउट हो गया था कि पता नहीं ये कैसा होगा, पर ठीक है मैंने फिर भी ऑर्डर किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ब्लैक पे वो फ्लोरल जो मैंने फोटो देखा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा आया है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। बस एक ब्लैक कुर्ती है जिसपे फ्लोरल काम किया हुआ है, बट वो एकदम डिफरेंट है जो पहले मैंने देखा या आप लोगों ने भी फोटो पे देखा। सिंगल एक फ़ोटो दिया हुआ था वेबसाइट पे जियो मार्ट के और उसी का लेके मैंने ऑर्डर किया, तभी मुझे शक हो गया था कि ये पता नहीं ये ब्रांड कैसा होगा। तो ऐसे ब्रांड्स में ना जो इतने अनपॉपुलर है और न्यू है, तो इनमें ना साइजिंग का भी इशू होता है क्योंकि साइज़ चार्ट भी नहीं दिया हुआ था एंड मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ बल्कि, तो मैं वैसे ही प्लस साइजेस पहनना प्रेफर करती हूँ। तो इसको तो मैंने 3XL में मंगाया, तो फिटिंग इसका लाजवाब, उस पर तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना सुंदर फिटिंग आया था ना, मैं काफ़ी स्लिम भी लग रही थी एंड मेरी बॉडी पे बहुत सुंदर से बैठा था। टेलर को तो बहुत सारी किसेस कि उसने इतने अच्छा बनाया। ना साइड से आपको स्लिट मिलता है, कुर्ती का लेंथ आपको मिल जाएगा लगभग नीज़ या नीज़ के थोड़े से नीचे तक, और फ्लोरल पैटर्न और प्रिंट जो आप देख रहे हो ये मुझे अच्छा लगा। बट अगेन जो मैंने देखा और जो आया तो आई फील चीटेड क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लस अगर आप इसके स्लीव्स की बात करो एंड शोल्डर पे जो कटिंग हुई है वो इतने अच्छे से शोल्डर पे बैठ रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साइज़ हमेशा आप एक साइज़ अप जाओ, अगर आप लार्ज पहनते हो तो आप XL ऑर्डर करना, अगर आप मीडियम पहनते हो तो आप लार्ज ऑर्डर करना। इसका जो स्लीव्स है वो एल्बोज तक है, तो एल्बो स्लीव का पैटर्न है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि एल्बो स्लीव पैटर्न सारी चीज़ में, साड़ी में, ब्लाउज में, सब में, तो वो अच्छा लगा। प्लस अगर मैं स्टिचिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छा स्टिचिंग करा हुआ था एंड नेक मजबूती लग रही थी एंड नेक जो है वो काफ़ी बंद है, तो जिनको भी बहुत ज़्यादा डीप नेक पहनने की आदत नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं है, तो आप ऐसा पहन सकते हो, कवर्ड रहेगा। स्पेशली अब तो ठंडा टाइप आ रहा है तो ठंडी में तो चलता है। गाइज फैब्रिक की क्वालिटी अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं इसको जूम करके फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मोटा सा कॉटन में कुछ तो मिला हुआ था, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक होता है जो एक एकदम थर्ड क्लास चादर का जो क्वालिटी नहीं होता, जो मतलब 100-150 टाइप जो एक चादर आता है सिंगल बेड का, उसका जो एक गंदा सा क्वालिटी होता है ना, मोटा सा, वही क्वालिटी का ये चादर क्वालिटी का ये कुर्ती बना हुआ था। जबकि इसका प्रिंट अच्छा था इसीलिए अच्छा दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, अदरवाइज़ इसका क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा समहाउ, लेकिन इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो आप फिटिंग के मामले में अगर आप देखना चाहते हो और एकदम नॉर्मल वियर टाइप थोड़ा बहुत, तो आप ये ले सकते हो। सबसे मेजर इसमें फ्लॉ था कि इसमें एक जगह पे फटा हुआ आया और मेरा मतलब मैं इसको रख भी सकती थी। नॉर्मली अगर कोलकाता वगैरह आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ये कुर्ती 150-180-200 नॉट मोर देन दैट, पर इसका प्राइस 300 लिया एंड वो भी देखिए यहाँ पे सीजर से कट मारा हुआ है, मतलब फटा चिटा जियो मार्ट ने मुझे भेज दिया। पहली बार मैंने जियो मार्ट से अप्रैल की शॉपिंग की एंड वो भी मुझे फटा हुआ आया, तो मैं 300 डेली यूज़ टाइप भी इसको पहन सकने का सोच सकती थी, लेकिन जब ये फटा हुआ देखा तो अब तो मैं इसको रिटर्न पे डाल दी हूँ। देखिए एक्सचेंज का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, तो रिटर्न पे डाल दिया मैंने। अब देखो 30 डेज़ का रिटर्न पीरियड होता है, ये बेस्ट चीज़ है। तो अगर आपको भी जियो मार्ट का ऐड आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी और चाहत फैब्रिक ब्रांड का आता है, तब समझ जाना कैसा होगा। वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दे और मुझे आप फॉलो कर सकते हो एवॉन चेरी इंस्टाग्राम पे।